ओके स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। अब पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर हम देखते हैं, उससे पहले हमको थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक याद होना जरूरी है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखा था, तो इन अ कैरेक्टरिस्टिक वी सी द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। दैट मींस इन अ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक डायोड इज कनेक्टेड विद एनोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। मतलब ये एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट है और कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट है। एट दैट टाइम डायोड कम्स इन अ फॉरवर्ड बायस। डायोड कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब भी जाके वो अपने में से करंट को पास होने देगा। तो एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आएगा और यहाँ पे डायोड में से करंट फ्लो होगा। बट जब हम यहाँ पे बैटरी की पोलारिटी को रिवर्स कर देते हैं, दैट मींस एनोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव एंड कैथोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, तो उस टाइम में डायोड कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? तो डायोड कम्स इन अ रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो जाएगा मींस आइडियल डायोड कैन नॉट पास द करंट थ्रू इटसेल्फ। मतलब आइडियल डायोड रिवर्स बायस में अपने में से कोई करंट को पास नहीं होने देगा। अब जब ये अपने में से कोई करंट को पास नहीं होने दे रहा है तो यहाँ पे इन अ सर्किट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फॉर अ आइडियल डायोड हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि डायोड में से पूरा करंट पास होगा और इन अ रिवर्स बायस फॉर आइडियल करंट डायोड में से जीरो करंट यहाँ पे फ्लो होगा। ओके, आइडियल कंडीशन के लिए। तो जब हम यही कैरेक्टरिस्टिक को यूटिलाइज करके अगर पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रेक्टिफायर डिजाइन करते हैं, तो हमारे पास पहले तो व्हाट इज द रेक्टिफायर या व्हाई वी रिक्वायर्ड द रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमको एसी टू डीसी, इट कन्वर्ट्स द एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है कि जहां पे हमको डीसी सिग्नल रिक्वायर्ड होता है, मतलब हमको डीसी करंट चाहिए, जैसे कि हमारा मोबाइल का चार्जर है या अगर हमको बैटरी में पावर को स्टोर करना है तो वी कैन नॉट स्टोर द एसी पावर। एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब जब हम एसी सिग्नल को स्टोर नहीं कर सकते तो हमको कौन सा सिग्नल रिक्वायर्ड है? डीसी सिग्नल रिक्वायर्ड है जिसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो हमको जो हमारे घर में सप्लाई आता है वो तो कौन सा है? तो वो सप्लाई होता है एसी सिग्नल। अब जब हमारे घर में एसी सिग्नल आ रहा है और हमको कहीं पे बैटरी में पावर को स्टोर करना है तो वी मस्ट कन्वर्ट द एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है और जो डिवाइस एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल कन्वर्ट करती है दैट डिवाइस इज कॉल्ड द रेक्टिफायर सर्किट। उसको हम रेक्टिफायर सर्किट बोलते हैं। तो ये हुआ सिंपल सा कि रेक्टिफायर क्या है। ओके, रेक्टिफायर सर्किट क्या है वो हमने देखा और why we require the rectifier circuit, तो to convert the AC signal into DC signal. Now there are two types of rectifier circuit. One is a half wave rectifier circuit and second one is a full wave rectifier circuit. तो हमारे पास mainly दो rectifier circuit है, half wave and full wave rectifier circuit. Okay. तो ये दोनों रेक्टिफायर सर्किट हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। तो पहला हम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। अब यहाँ पे आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर क्या आएगा? तो डीसी सिग्नल हमने लिखा है, बट वी गेट द पल्सेटिंग डीसी।
पल्सेटिंग डीसी मतलब जिसमें जो प्योर डीसी नहीं है, पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या है, विच इज नॉट प्योर डीसी, मतलब उसमें अभी भी कुछ एसी कंपोनेंट अवेलेबल है। एसी सिग्नल को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। अब यहाँ पे हम समझे कि भाई हमको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को पहले आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके, देन आफ्टर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन बताओ और फिर वर्किंग एंड आखिरी में वेवफॉर्म। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें हमने क्या यूज किया, ट्रांसफार्मर। वी कैन यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आता है दैट इज द 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज आता है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, वे रिक्वायर टू डाउन द वोल्टेज, क्योंकि जैसे हमको पता है कि भाई हमारे मोबाइल का चार्जर है या मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी कितने वोल्टेज पे चार्ज होती है, तो दैट इज द अराउंड द 5 वोल्ट। हमको इनपुट 230 वोल्ट दे रहे और आउटपुट में कितना रिक्वायर्ड है 5 वोल्ट, तो हमको ये वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमने एक डायोड यूज किया है एंड डायोड इज कनेक्टेड विद द लोड रेजिस्टेंस RL, RL के साथ यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ट्रांसफार्मर में अगर हम समझे तो जो इनपुट साइड में वाइंडिंग कनेक्ट है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वाइंडिंग, और जो लोड रेजिस्टेंस के साथ वाइंडिंग कनेक्ट है दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये हुआ सिंपल सा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। अब यहाँ पे हम इसका वर्किंग समझे तो वर्किंग में क्या है, तो पहले मैं यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे वर्किंग समझने में इजी हो जाएगा। आपको वेवफॉर्म कंपलसरी याद रखने हैं और उसको ड्रॉ करना है एग्जाम में। Across the load resistance RL हमको क्या मिलेगा, Vout, और यहाँ पे load diode को हम कितना supply दे रहे, Vs, okay, जो मैंने Vs draw किया है, और ये output voltage हमको कहाँ पे मिल रहा है, load resistance RL पे। तो अब हम इसका working समझते हैं। तो when we apply the input signal to the 230 volt 50 hertz AC voltage at the primary winding of the transformer, this transformer is a step down transformer, so it down the voltage ko wo appropriate voltage level pe kya karta hai, down karta hai. Now this voltage is transferred to the secondary winding and across the secondary winding Vs voltage is applied to the diode. तो यहाँ पे ये जो मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ किया है सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है जो सीधा हम किसको दे रहे हैं, डायोड को दे रहे हैं। तो ना हमको पता है कि भाई जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज हम दे रहे हैं तो ये तो क्या है, साइनोसोइडल वोल्टेज है। साइनोसोइडल वोल्टेज है मतलब ये कंटिन्यूसली क्या होता है, वेरी होता रहता है, ये कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है। अब जब ये कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है मतलब 0 to पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल,
पाई टू टू पाई नेगेटिव हाफ साइकिल फिर पॉजिटिव। तो हमको पता है एसी वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब यहाँ पे हमको समझे कि भाई यहाँ पे जीरो टू पाई, पाई टू टू पाई, टू पाई टू थ्री पाई के लिए, तो जैसे ही हमने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको कुछ स्टेप डाउन वोल्टेज मिलेगा। तो फॉर द 0 टू पाई साइकिल, फॉर 0 लेस देन ओमेगा टी लेस देन पाई, पाई तो फॉर दिस साइकिल, ये जो है वो 0 टू पाई तक की साइकिल के लिए जब हम देखते हैं तो S1 टर्मिनल, ये जो टर्मिनल है दिस टर्मिनल बिकम्स द पॉजिटिव एंड दिस टर्मिनल बिकम्स द नेगेटिव। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। दैट मीन्स एनोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल and cathode of the diode is connected with the negative terminal through the load resistance RL. So as we know that when the anode is connected positive terminal and cathode is connected to the negative terminal, at that time diode comes in a forward bias. So yahan pe for the 0 to pi cycle diode is in a forward bias. Diode kya ho raha hai, forward bias mein aa raha hai। अब जब डायोड फॉरवर्ड बायस में आ रहा है दैट मींस करंट आई ऑफ एल इज फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आरएल एंड वी गेट द आउटपुट फॉर द 0 टू पाई साइकिल। 0 टू पाई साइकिल के लिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, बिकॉज इन अ 0 टू पाई साइकिल डायोड इज इन अ फॉरवर्ड बायस। नाउ तो दिस इज द AC signal, so when the signal is reach at the pi, तो यहाँ पे ये जो signal है positive का क्या हो जाएगा, input signal positive to negative हो जाएगा। तो जैसे ये signal positive to negative होता है तो upper terminal becomes the negative and lower terminal becomes the positive. That means anode of the diode is connected with the negative terminal and cathode of the diode is connected with the positive terminal. That means for the pi to 2 pi cycle, for the pi to 2 pi cycle anode is connected with negative and cathode is connected with positive. So for pi to 2 pi cycle anode is connected with negative and cathode is connected with positive. That means in this diode comes in a reverse bias. और यहाँ पे diode क्या हो जाएगा, reverse bias हो जाएगा। जैसे diode यहाँ पे reverse bias हो जाता है तो reverse bias diode doesn't pass the current through the diode, मतलब वो अपने में से कोई करंट को पास नहीं होने दे रहा है। दैट मींस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल वी गेट द जीरो करंट। अब जब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल पे जीरो करंट हमको मिलता है तो जीरो करंट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर द जीरो करंट आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो जीरो, आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द जीरो आउटपुट। नाउ अगेन 2 पाई टू 3 पाई, अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी, पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा एंड वी गेट द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल। दैट मींस एज वी शो फ्रॉम द वेवफॉर्म वी कैन से दैट वी गेट आउटपुट ओनली फॉर अ हाफ ऑफ द फुल इनपुट साइकिल। हमने इनपुट में तो पूरी साइकिल दी बट आउटपुट हमको सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही मिलता है। हाफ साइकिल इज टोटली वेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट।
इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट पूछा जाए तो एक सर्किट डायग्राम बताना है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो बताना है, और वेवफॉर्म के साथ वर्किंग बताना है। इतना आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। दूसरा है, अब हम सेकेंड रेक्टिफायर देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। क्लियर, ये कुछ आपको रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सर्किट डायग्राम याद रख लो, वेवफॉर्म याद रख लो, तो उसपे से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। दो मार्क में और कई बार चार मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाए, दोनों पूछते हैं तो चार मार्क में सिंगल सिंगल आता है तो दो दो मार्क में हमको पूछा देते हैं। सेकेंड है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, अब फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट अगर हम देखें यहाँ पे तो कैसा होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पे एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ड्रॉ किए हैं। ओके, तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में क्या है, तो हियर वी यूज द सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। क्या यूज कर रहे हैं, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर एंड We can use the two diodes. ये जो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, this one is a center tap transformer. अब center tap transformer क्या करता है वो मैं आपको आगे explain करता हूँ, ठीक है? And secondary winding of the center tap transformer is connected with the diode D1 and D2. Halfway में हमने क्या किया था, तो halfway rectifier में हमने एक single diode को use किया था, but in a full wave rectifier circuit We use the two diode. दो डायोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ओके? Now we see the working of the full wave rectifier circuit. Full wave rectifier circuit कैसे वर्क करता है? Half wave क्या था वो हमने देख लिया कि भाई half wave rectifier circuit क्या था? तो half wave में we get the output only for a half of the cycle. हाफ साइकिल के लिए ही हमको आउटपुट मिलता था, बट इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट
we get the output for both positive and negative cycle. तो यहाँ पे VS मतलब हमने जो इनपुट सिग्नल दिया है वो Vin, जो इनपुट सिग्नल हमने दिया है तो इनपुट सिग्नल यहाँ पे कितना है Vin 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई। अब यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सिग्नल हम दे रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया तो वी कैन यूज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब जब हम देखते हैं कि भाई सेंटर टैप ट्रांसफार्मर तो एक्चुअली ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर करता क्या है एंड व्हाई वी रिक्वायर द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर विच फर्निश मतलब डिवाइड करना, एक सिग्नल को दो सिग्नल में डिवाइड करना उसको बोलते हैं फर्निश। इट फर्निश द सिग्नल इनटू टू सिग्नल, वो दो सिग्नल में यहाँ पे इसको फर्निश करता है मतलब ये एक सिंगल सिग्नल है उसको उसने VS1 और VS2 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है सिंगल सिग्नल को विदाउट वोल्टेज चेंजिंग दो पार्ट में फर्निश कर देता है, डिवाइड कर देता है एंड दिस टू सिग्नल आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। दोनों कैसे होते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो समझो ये पॉजिटिव तो यहाँ पे एक सिग्नल ये हुआ VS1, VS1 इज अ फर्स्ट, VS2 इज अ सेकंड, तो VS1 पॉजिटिव है तो VS2 क्या होगा नेगेटिव होगा एंड VS1 नेगेटिव है तो VS2 क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल है VS1 एंड VS2, दैट मींस कि जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फर्निश द इनपुट सिग्नल इनटू टू सिग्नल VS1 एंड VS2। अब यहाँ पे ये जो दोनों सिग्नल है VS1 VS2 ये हम क्या करते हैं तो VS1 इज अप्लाइड टू द डायोड D1 and VS2 is applied to the diode D2 as shown in a figure। हम देख सकते हैं कि भाई VS1 हमने diode D1 के साथ connect किया है, VS2 is connected with the diode D2। Now when the input signal is positive तो यहाँ पे जब हम input signal 0 to pi cycle देखते हैं तो for the 0 to pi cycle इनपुट इज पॉजिटिव, इनपुट इज पॉजिटिव तो VS1 इज अ पॉजिटिव, तो जब VS1 पॉजिटिव होता है तो S1 टर्मिनल ऑफ द
सेकेंडरी वाइंडिंग इज पॉजिटिव एंड VH2 देखो तो VH2 क्या है, नेगेटिव है, 0 टू पाई के लिए नेगेटिव है, तो H2 वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव, तो H2 टर्मिनल यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, S1 पॉजिटिव होता है, तो एनोड ऑफ द डायोड D1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एनोड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव and anode of the diode D2 is connected with negative. That means D1 diode comes in a forward bias and D2 diode comes in a reverse bias. D1 यहाँ पे क्या हो रहा है? Forward bias में आ रहा है. And D2 क्या हो रहा है? Reverse bias. For a zero less than omega t less than पाई, जीरो टू पाई साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड हो गया, D2 रिवर्स हो गया, दैट मींस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द S1, S1 टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, S1 टू एनोड ऑफ द डायोड D1, कैथोड ऑफ द डायोड D2, A लोड रेजिस्टेंस RL, B एंड देन सेंटर टैप C, यहां से S1 से डायोड D1, D1 में से गया है A में, A से लोड रेजिस्टेंस RL, RL से B, B से C में चला गया, तो यहां पे करंट इज फ्लोइंग इन S1, D1, A, RL, B एंड C, तो 0 टू पाई साइकिल के लिए D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है और उस टाइम पे D2 डायोड यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स बायस, D2 रिवर्स बायस है, मतलब वो अपने में से कोई करंट को पास नहीं होने दे रहे हैं, जैसे ही साइकिल पाई टू टू पाई पे पहुंचती है तो फॉर द पाई लेस देन ओमेगा टी लेस देन टू पाई, पाई टू टू पाई के लिए क्या होगा, तो हियर पाई टू टू पाई, फॉर द पाई टू टू पाई नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव है, तो वी एस वन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वी एस टू पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स एस वन टर्मिनल बिकम्स द नेगेटिव, एस टू टर्मिनल बिकम्स द पॉजिटिव, एस वन नेगेटिव हो गया, एस टू पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो डी वन एनोड ऑफ द डायोड डी वन इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव and anode of the diode D2 is connected with positive. That means D1 comes in a reverse bias. भाई पहले D1 क्या था? Forward था. अब क्या हो गया? Reverse हो गया. और D2 पहले क्या था? Reverse था. अब क्या हो गया? Forward हो गया. That means current is flowing through the diode D2. करंट कहां से फ्लो करेगा? D2 से फ्लो करेगा. अब D2 से फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गिवन एज H2 टू डायोड D2, A लोड रेजिस्टेंस RL, B एंड C, H2 D2 A RL B एंड C, तो यहां पे हमको अगर आउटपुट सिग्नल हम देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो D1 D2 और D1 जीरो टू पाई, पाई टू टू पाई, टू पाई टू थ्री पाई, मतलब हमको दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, D1 D2 D1 D2, अल्टरनेटली D1 D2 डायोड कंडक्ट होते रहते हैं एंड वी गेट द आउटपुट फॉर अ फुल साइकिल, वी गेट द आउटपुट फॉर अ फुल साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ओके, तो दो सर्किट आपको ध्यान में रखने हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, ओके, और ये दोनों रेक्टिफायर है, दोनों रेक्टिफायर का आउटपुट हमको क्या मिलता है, तो दोनों रेक्टिफायर का आउटपुट हमको मिलता है पल्सेटिंग डीसी, क्या मिलता है भाई, पल्सेटिंग डीसी मिलता है, ये प्योर डीसी नहीं है, अब हमको तो रिक्वायर्ड क्या है, प्योर डीसी का सिग्नल की रिक्वायर्ड होती है,
तो प्योर डीसी सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फॉर द प्योर डीसी सिग्नल वी कैन यूज द फिल्टर सर्किट। हम यहाँ पे फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट हमको यूज करना पड़ता है, विच कन्वर्ट्स द पल्सेटिंग डीसी इनटू प्योर डीसी। ये फिल्टर सर्किट भी छोटा सा है पर आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन द हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट, या ऐसे पूछ लेते एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट। तो पहले तो फिल्टर सर्किट करता क्या है, तो इट कन्वर्ट्स फिल्टर सर्किट्स, इट कन्वर्ट्स पल्सेटिंग डीसी इंटू प्योर डीसी, प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी टू प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर सर्किट इज अ पल्सेटिंग डीसी। दैट मीन पल्सेटिंग डीसी मतलब क्या, कि उसमें अभी भी कुछ एसी कंपोनेंट अवेलेबल है, उसमें अभी भी कुछ एसी कंपोनेंट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द पल्सेटिंग डीसी, उसी को हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। अब यहाँ पे ये पल्सेटिंग डीसी है, मतलब जिसमें एसी कंपोनेंट अवेलेबल है, ये एसी कंपोनेंट को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो टू रिमूव द एसी कंपोनेंट फ्रॉम द डीसी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर सर्किट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर सर्किट हम देखें, तो फर्स्ट वी सी द कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट। हम यहाँ पे कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट समझते हैं। तो एक ये सिंपल सा कैपेसिटिव फिल्टर सर्किट है। तो एज वी से रेक्टिफायर का आउटपुट हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा पल्सेटिंग डीसी। अब जब ये पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, हमको क्या चाहिए, प्योर डीसी। अब प्योर डीसी रिक्वायर्ड है, तो बीच में हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया। अब ये समझते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलता है। तो एज वी नो दैट रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर Xc इज इक्वल्स टू 1/ωC। क्या होता है 1/ωC, दैट मीन्स 1/2πμC। That means Xc is inversely proportional to frequency. Xc क्या है, frequency के inverse proportion में होता है। Xc is inversely proportional. Xc क्या है, reactance. Xc क्या है, reactance of the capacitor. मतलब कि यहाँ पे ये कितना यहाँ पे रिएक्टेंस जो सिग्नल आ रहा है उसको ऑफर करेगा। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो ले लेते हैं, अब डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है, डीसी स्ट्रेट लाइन होता है, वो अल्टर होता नहीं है, वो अल्टरनेट चेंज नहीं होता है। तो जब डीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जीरो है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो लेते हैं, 1/0 मतलब इन्फिनिटी,
तो रिएक्टेंस यहाँ पे क्या मिलेगा, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंफिनिटी, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंफिनिटी फॉर द डीसी सिग्नल। अब डीसी कंपोनेंट के लिए तो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। दैट मीन्स यहां से डीसी कंपोनेंट है तो जैसे डीसी कंपोनेंट आता है कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एंड डीसी कंपोनेंट इज पास टू द लोड रेजिस्टेंस आरएल। बट जैसे ही यहाँ पे एसी सिग्नल आता है तो सपोज 50 हर्ट्ज का एसी सिग्नल है तो यहाँ पे तो 50 हर्ट्ज के लिए हमको बहुत नॉमिनल रिएक्टेंस मिलेगा तो यहाँ पे रिएक्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फॉर द एसी सिग्नल कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। XC is minimum for a AC signal. AC के लिए तो ये तो minimum हो जाता है, जब AC के लिए ये minimum हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो AC signal को capacitor short circuit हो जाएगा and AC signal is bypass through the capacitor and become the ground। तो एसी सिग्नल यहाँ से कैपेसिटर में से होके कहाँ पे चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे एंड डीसी इज पास ऑन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आरएल। आरएल में हमको यहाँ पे प्योर डीसी सिग्नल मिलेंगे। तो आपको ये इतना सा ये आपको मेनली ध्यान में रखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस में हमको दिया नहीं है बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो एसी सिग्नल में हम एसी वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, XC इक्वल्स टू 1/2 πμC। ओके, तो ये हो गया हमारा रेक्टिफायर सर्किट। इसके बाद एक टॉपिक अब बचता है डिजिटल लॉजिक, मतलब लॉजिक गेट्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, मतलब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा।